नेगेटिव ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के साथ क्या प्रॉब्लम आती है महिलाओं के अंदर प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के दौरान, उसी के बारे में हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, या तो आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, जो कि कम्प्लीटली डिपेंड करता है जेनेटिक्स के ऊपर, यानी कि आपका जेनेटिकल बिल्डअप क्या है। हिंदुस्तान के अंदर ऑलमोस्ट 93% लोगों का जो ब्लड ग्रुप है वह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होता है और 7% लोगों का ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप रिलेटिवली कम पाया जाता है। नॉर्मली तो उसके कारण कोई तकलीफ नहीं आती, परंतु एक महिला जिसका कि ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में थोड़ी सी कहानी बदल जाती है, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कब प्रॉब्लम आती है? सपोज इट आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, यानी कि माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप भी नेगेटिव है, यानी कि मदर और फादर दोनों का ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव है, तो प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपने दिमाग में से किसी भी प्रकार की चिंता निकाल दीजिए। अगर फादर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, यानी कि पिता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है लेकिन माँ का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। किंतु अगर माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो कुछ समस्याएं प्रेगनेंसी के दौरान आ सकती हैं। क्यों प्रॉब्लम आती है जब माँ का ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है? जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप की महिला कंसीव करती है एक ऐसे हस्बैंड के द्वारा जिसका कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, तो जब अंदर बच्चा डेवलप होता है, जब बेबी पेट के अंदर बच्चेदानी के अंदर ग्रो करता है, तो उसके कुछ ब्लड सेल्स माँ के अंदर एंटर कर जाते हैं। परंतु माँ का ब्लड ग्रुप क्योंकि वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है और बच्चे के जो ब्लड सेल्स एंटर होते हैं वह पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के सेल्स होते हैं, तो माँ उन पॉजिटिव ब्लड सेल्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनाती है, ताकि कि वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के जो ब्लड सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो सके। इसके कारण क्या होता है कि जो शुरुआती एक दो प्रेगनेंसीज होती हैं, यानी कि पहले और दो दूसरा जो बच्चा होता है उसमें तो यूजुअली कोई प्रॉब्लम नहीं आती, यानी कि शुरू की एक से दो प्रेगनेंसीज के अंदर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, परंतु जो आने वाली प्रेगनेंसीज है, तीसरा बच्चा जो होने वाला है, चौथी प्रेगनेंसी जो होगी, उसमें असर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि तब तक जो एंटीबॉडीज का अमाउंट होता है वह बढ़ चुका होता है, सेंसिटाइजेशन पूरा हो चुका होता है, तो तीसरी चौथी यानी कि आने वाली प्रेगनेंसीज में प्रॉब्लम आने की पॉसिबिलिटी जो होती है वह बढ़ जाती है। अब कितनी तकलीफ आएगी बच्चे को और कितनी नहीं आएगी वह डिपेंड करता है कि एंटीबॉडीज का अमाउंट कितना है, थोड़ा है, ठीक है या ज़्यादा है, तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि केस माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है। अगर थोड़ी एंटीबॉडीज एंटर कर रही हैं तो वो एंटीबॉडीज बच्चे के अंदर एंटर करेंगी, उनके ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगी, जिसके कारण कि बच्चा जब पैदा होगा तो उसका हीमोग्लोबिन जो होगा वो नॉर्मल से कम होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं कंजेनाइटल एनीमिया ऑफ द न्यूबॉर्न। अगर एंटीबॉडीज का अमाउंट थोड़ा अधिक है तो ज़्यादा एंटीबॉडीज एंटर करेंगी बच्चे के अंदर, जिसके कारण कि उसके ज़्यादा ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे। ज़्यादा ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होने के कारण बिलिरुबिन का लेवल बच्चे के अंदर बढ़ जाता है। जब तक बच्चा माँ के पेट के अंदर होता है तो यह बिलिरुबिन माँ के सर्कुलेशन के, माँ के ब्लड के द्वारा निकाल दिया जाता है, किंतु जब बर्थ होता है, जब डिलीवरी होती है, तो 24 घंटे के बाद में बच्चे के अंदर बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि माँ के एंटीबॉडीज अभी भी बच्चे के अंदर के पॉजिटिव ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही होती है, परंतु बच्चे का सर्कुलेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वह बिलिरुबिन को हटा पाए इतना ज़्यादा, जिसके कारण कि बच्चे में जॉन्डिस या पीलिया डेवलप हो जाता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्टेरस ट्रेविस न्यूनेटोरम, जो कि एक मॉडरेट यानी बीच के वाला केस है। जब एंटीबॉडीज का लेवल बहुत अधिक होता है, सिवियर केस जिसे हम कहते हैं, तब बहुत ज़्यादा बच्चे के ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस होता है, जिसके कारण कि माँ के पेट के अंदर ही जो बच्चा है उसका लिवर बड़ा हो जाता है, स्प्लीन बड़ा हो जाता है, बच्चे के अंदर जगह जगह पानी भरना शुरू हो जाता है, बच्चे के हार्ट के हृदय के अराउंड भी चारों तरफ भी पानी भर जाता है, पेट में भी पानी भर जाता है, पूरा बच्चा सूज जाता है, इडिमेटस हो जाता है, कभी कभी बच्चे की पेट के अंदर ही मृत्यु भी हो सकती है इस केसेस के अंदर। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइड्रॉप्स फिटेलिस, जो कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप का एक सबसे सिवियर फॉर्म हम कहते हैं। तो अगर आपका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है और आप कंसीव कर रही हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों का जो ध्यान रखने की ज़रूरत रहती है वह इस प्रकार से है। प्रेगनेंसी के दौरान आपकी कुछ एक्स्ट्रा ब्लड टेस्ट होते हैं,
जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है इनडायरेक्ट वूम्स टेस्ट। जब आप कंसीव करती हैं तो नॉर्मल महिलाओं में जो एक एंटीनेटल प्रोफाइल या जो नॉर्मल रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं उसके अलावा आपका एक एक्स्ट्रा ब्लड टेस्ट कराया जाता है इनडायरेक्ट वूम्स टेस्ट करके। वही टेस्ट 28 वीक्स के बाद वापस रिपीट किया जाता है। और अगर ये टेस्ट शुरू में ही पॉजिटिव आ जाए तो फिर इसको कुछ कुछ हफ्तों के बाद हमें रिपीट करते रहना पड़ता है। नेगेटिव ब्लड ग्रुप की जो प्रेगनेंसी होती है उससे हमें मॉनिटर ज़्यादा करना पड़ता है, ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे पे असर आना शुरू तो नहीं हो गया। अगर असर आना शुरू हो गया है तो हमें जल्दी डिलीवरी कराने की ज़रूरत भी आ जाती है। ये समस्या उत्पन्न ही ना हो क्या हम कर सकते हैं ताकि हम इसे प्रिवेंट कर सकें? तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत रहती है? ये प्रिवेंशन के लिए जब एक नेगेटिव ब्लड ग्रुप की महिला कंसीव करती है तो जब वह अपने 28वें हफ्ते पर पहुंचती है, 28 हफ्ते जब हो जाते हैं तब हम एक इंजेक्शन देते हैं जिसे हम एंटी डी कहते हैं। ये सेम इंजेक्शन हम डिलीवरी होने के जस्ट बाद भी, यानी कि बच्चा जब हो जाता है उसके जस्ट बाद भी वापस देते हैं, जिससे कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन ना हो, आने वाली प्रेगनेंसीज में इस प्रकार की तकलीफ ना आए। तो ये एक जो एंटी डी इंजेक्शन होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है, जिससे कि हम आगे वाली आने वाली प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट, को इस तरह की तकलीफें आने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का और जो ध्यान रखने की बात है, अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो ध्यान रखिए कि ज़िंदगी में कभी भी अगर आपको ब्लड चढ़ाने की नौबत आए तो आपको नेगेटिव ब्लड ग्रुप, सेम ब्लड ही चढ़ना चाहिए, नेगेटिव ब्लड ही चढ़ना चाहिए, कभी भी पॉजिटिव ब्लड नहीं चढ़ना चाहिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का नेगेटिव ब्लड ग्रुप के बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकती हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। थैंक यू।